अस्सलामुअलैकुम, मेरी अम्मा की यूट्यूब फैमिली। आज अम्मी की तरफ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है। और बस क्यों करा है वो, जिस जिसने अम्मी की कल रील देखी होगी उसको अंदाज़ा होगा कि आज क्या है। आज बहुत ख़ास दिन है, जिसने रील नहीं देखी वो जाके देख ले, ठीक है। और दूसरी बात, आज बहुत ख़ास दिन है, आज है 22 अगस्त, मेरी मम्मा की बर्थडे। और तो बस हमने सोचा यार क्यों ना छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर लीजिए। और अम्मी इत्तेफाक से आज कहीं चले गई थी, अम्मी और बाबा, तो मैंने कहा यार अब ये लोग चले गए हैं, मौका भी है तो काम कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार छोटी मोटी सेलिब्रेशन करते हैं। मैंने फिर भाई को कॉल की, बस वो आए हैं और जल्दी जल्दी में जो कुछ अरेंज हो सका हमने वो सब करा। अच्छा, हमें सब कुछ करते हुए आपको दिखाना भी था लेकिन मैं नहीं दिखा सकी, क्योंकि हम लोग को बस ये टेंशन थी बाबा और अम्मी आ गए तो वो ब्रेक प्रॉब्लम हो जाएगी या बीच में सरप्राइज़ का सारा ना काम ख़राब हो जाता। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हो क्या रहा। तो अभी हम लोग ने तकरीबन मतलब पूरा हो चुका है, ये लगे हुए मैं भाई। तो हम लोग कैसे आप सब, आप लोगों को पता है कि आज जो आप ब्लॉगर हैं आप सबकी, जिनको आप दिल से पसंद करते हैं और आपकी मोहब्बत है जिस तरीके की उनके साथ, तो हमने भी वही मोहब्बत है वही प्यार बांटने की कोशिश करी है अपनी बहन के साथ। तो ये कोई इस तरह देख रहे हैं आप, ये सादा सा एक छोटा सा हमने एक अरेंजमेंट करा है कि खुशियाँ बांट सकें हमारे इस प्लेटफॉर्म से। मुझे सिर्फ इतना मकसद है कि मैं खुशियाँ बांट सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ अपनी खुशियाँ, कि ना कोई हमें कोई बर्थडे इस तरह का कोई बैलून्स लगाए ना कुछ लगाए, क्योंकि इस्लामी उसको भी देखना पड़ता है हमें। तो हम एक ज़िंदगी का एक साल आपका जब पूरा हो जाता है ना, तो ये उसकी भी आपको खुशी होती है। एक कम हुआ, एक तो हम तो है ही अपनी जगह पे, लेकिन एक खुशी आप मना रहे हैं कि जिस तरीके के हालात हमारे चल रहे हैं इस टाइम पे माशरे में और मुल्क में, परेशानियाँ टेंशन है हमारी चल रही हैं, आपस में नफ्सा नफ्सियाँ चल रही हैं, सिर्फ इसी वजह से हम लोगों ने इसको एक मुख्तसर से प्लेटफॉर्म से आप तक खुशियाँ पहुँचाने की कोशिश करी है। तो आप लोग आगे मज़ीद इंजॉय करेंगे और देखेंगे हम मज़ीद किस तरीके से एक नॉर्मल सी खुशियाँ किस तरीके से आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। और किसी को अपने छोटे से हंसी के अलावा बाकी छोटा सा कुछ किसी के लिए करके किस तरीके से खुशी से अपने आग्रह कर सकते हैं। तो बाकी आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और मजीद आप क्यों मरियम दिखाते रहेंगे सरप्राइज। जब मम्मी आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी उनका रिएक्शन क्या होगा, वो सबसे मेन बात है, वो देखनी है आप लोगों ने। तो गाइस हमारी बिल्कुल पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, ये पूरा हमारा हो चुका है, ये ट्रॉली भी रेडी है, हर एक चीज रेडी है, सब ठीक है, बस आने का इंतजार है, आने का इंतजार है, बस कभी भी आ सकते हैं लोग। वाह वाह आ गए, जल्दी भागो। अब क्या लड़ते में है करो। हैप्पी बर्थडे, ये क्या कर रहा भाई, जो सामान जी बाप अपने तोड़ के लिए गए थे काम से, जरा है झटपट कर दे झटपट, मिलते हो तैयार, ये कब का बस कर लिया तो आपका जी हाँ,
जो चांद सितारे गुफ्तगु बातों में दिए है दुआ तुम जियो हजारों साल है दुआ तुम जियो हजारों साल ये साथ मेरा हर मुश्किल में तुम्हारा खुशियों भरा हर साथ तुम्हारा ये बेखुदी ये लबों की हंसी मुबारक हो तुम्हें ये साल गिरा की खुशी मुबारक हो कभी ना आए कोई गम करीब भी तुम्हारे जहां में सबसे अच्छे हों नसीब भी तुम्हारे खलूस और प्यार भरी दोस्ती मुबारक हो तुम्हें ये साल गिरा की खुशी मुबारक हो सभी के हाथ उठे हैं इसी दुआ के लिए मुसर्रतें तुम्हें हासिल रहे सदा के लिए नए ये दोस्त नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो वो रिफाते हो बुलंद ही भी तुम पे नाज करे तुम्हारी ये उम्र खुदा और भी दराज करे हसी चेहरे की ताबिंदगी मुबारक हो तुम्हें ये सालगिरह की खुशी मुबारक हो बहुत तहे दिल से मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने बच्चों का इन लोगों ने तीनों ने माशाल्लाह मिलके मेरे लिए ये अरेंज किया इतना बड़ा मुझे सरप्राइज दिया और मैं फिर दोबारा ये कहूँगी कि मुझे जितने भी बड़े बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं वो मेरी लाइफ के सबसे मैं बयान नहीं कर सकती कितने बड़े बड़े सरप्राइज और ये सब इन बच्चों ने दिए हैं अल्लाह ताला इनको खुश रखे हमेशा के ये सबकी खुशियों का ख्याल रखते हैं सबको लेके चलते हैं तो मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगी ये बच्चे जिस तरह से सबको खुश रखते हैं सबकी खुशियों का ख्याल रखते हैं सबको एक ऐसे रखते हैं तो अल्लाह ताला इन सबकी जिंदगियों में भी ऐसे ही एक रखे ऐसी ही खुशियां रखे हमेशा आने वाला हर दिन इनका बहुत खूबसूरत हो बहुत यादगार हो इनके अपने हमेशा सलामत रहे ये हमारे साथ ऐसे ही हंसी खुशी और सलामत रहे और सबके साथ और ये माशाल्लाह से ये जो है उमैर ये सबको जोड़ के रखता है छोटा है खानदान का लेकिन माशाल्लाह सबको जोड़ के रखता है और ये चीज बहुत कम लोगों में होती है खानदान में कोई ऐसा होता है एक जो आप सबको जोड़ के रखता है सबकी खुशियों का ख्याल रखता है तो मैं यही कहूंगी कि बस इनकी भी खुशियों का ख्याल रखा जाए इनकी भी खुशियों का ख्याल रखा जाए जैसे ये बच्चे छोटे होके बड़े होने का फर्ज अदा करते हैं तो बड़ों को भी चाहिए वो भी अपने से होकर और बड़ा होने का हक अदा करें इनके साथ बस यही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हर दुख चाव से बचाए और ठंडी जगहों पे रखे इनके सरों पे इनके बड़ों का हाथ रखे आमीन सुम्मा आमीन और इनको दुआओं में हमेशा अल्लाह ताला सबकी दुआओं में इन्हें याद रखे सब मिल के रहे आमीन सुम्मा आमीन और आप भी बच रहे हैं मेरी दुआ ये मेरा बेटा है मैंने बेटा बोल लिया है और ये भी मेरा बेटा है मेरा भाई है ये सब मेरा बेटा है मरियम का भाई है इस दिन को हमने बहुत शांति के साथ सही है एक हर चीज को नजर में रखते हुए सही सेलिब्रेट कर रहे हैं हम सही है किसी की खुशी का दिन नहीं किसी की खुशी का दिन है पूरा एक अरसा गुजर जाता है उसकी चीज को सही है उसके लम्हा गुजर जाता है अच्छे बुरे दिन हर तरह की दुख तकलीफ को सहकर इंसान इस दिन तक पहुंचता है और हम सब साथ खड़े हुए हैं तो हम इस चीज पे ना हमने बैलून लगाए हैं सही है ना हमने कोई इस पे कोई कैंडल्स लगाई है ना हम केक कटिंग करेंगे सबसे अहम चीज हम ये आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं इस चीज से कि हम केक कटिंग नहीं करेंगे हम खिलाएंगे जरूर लेकिन केक कटिंग नहीं होगा ना बैलून लगेंगे ये हैप्पी बर्थडे भी इस वजह से लिखा गया है सिर्फ कि लोगों को पता चले कि जो नए व्यूअर्स होंगे जो नए देखने वाले होंगे इस वीडियो को तो उनको पता लगे किस चीज की सेलिब्रेशन हो रही है वो सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत धूमधाम से आप पूरे खानदान को पूरी फैमिली को आप बुलाएं तो वो चंद लोग चंद अफराद जो घर के मेन लोग होते हैं वो कर लें तो यही आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा होता है और आप सबसे मेन चीज के इस वक्त जो हमारे हालात चल रहे हैं जो मसले मसाइल हम सबके साथ चल रहे हैं तो उस पे जो दुनिया परेशान है हर शख्स परेशान है अगर इससे किसी की दिल आजारी भी नहीं हो कुछ किसी को कोई कमी पेशी भी मतलब महसूस ना हो तो मतलब यही है कहने का आप सबसे कि आराम से आप अपने चार लोगों में भी अपने आप अपनी खुशी को इतना कर सकते हैं कि जैसे पूरी दुनिया आपके साथ हो तो ये दिन आपको याद रहते हैं
तो बस आए हम उनका फातिमा अनीस का जो है अपना हमारी सिस्टर में उनका मिल बिठा कराते हैं और इस दिन का आगाज खुशियाँ दुआओं से हो गया है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में और क्या नाम है जो दुश्मन है उनसे बचाए और आपस में सबको सबको मुत्तफिक और मुत्तहिद फरमा दे। यही दुआ है इस दिन के हवाले से हम उनका कराएंगे और फिर उनका जो है इनके यादगार के तौर पे ये कराया वरना कोई इसका प्रोग्राम नहीं था करने का। बस ये है कि यादगार के तौर पे कि भाई चलो भाई आज पैदाइश का दिन था मुझे जिंदगी का एक लम्हा एक साल आपकी जिंदगी का काम हो जाता है तो उस पर भी फिक्र गौर फिक्र है लेकिन सदा खुश रहे। जो आने वाली मजीद टाइम है अल्लाह ताला आपको खुश रखे आबाद रखे। और ये सब कुछ जो है इतना अच्छा है सब चीजें है इसमें कोई हमने केक कट नहीं करा कुछ नहीं करा और ये लोगों ने तो जाहिर बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि जितनी छोटी छोटी सी भी खुशियाँ हैं उन सब खुशियों को समेट कर हम अपने घर में ही एक बहुत बड़ा जश्न मना सकते हैं अपने बहन भाई अपने अतराफ के सारे लोग जो हमारे अपने हैं जो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं। और स्पेशली मैं अपने व्यूअर्स को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया यहीं से नहीं मुझे बैरून मुल्क से भी माशाल्लाह लोग देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्र अदा करती हूँ और अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलाया है इतने अच्छे लोगों से मिलाया है जो मेरी इज्जत करते हैं जो मुझे इज्जत देते हैं मुझे अपनी माँ समझते हैं अपनी बड़ी बहन समझते हैं अपनी आंटी समझते हैं और अपनी खाला समझते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए लव यू के जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कर रहे हैं और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की आगे भी बहुत सारी ज़रूरत है। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा मुझे नए देखने वाले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आज के दिन का हमें ये बताइएगा हम आप हमारे साथ जुड़े रहें लेकिन आज का हमें ये बताइए कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा। मुझे तो ये सरप्राइज़ बहुत ज़बरदस्त लगा क्योंकि मैं और इनके बाबा हमें कहीं जाना था काफ़ी टाइम से हम लोगों का प्रोग्राम बन रहा था जाना नहीं हो रहा था तो आज मैंने कहा कि चलते हैं और मेरी फ्रेंड ही थी तो उसने कुछ ऐसे अरेंज नहीं किया मतलब ऐसे कही थी कि आज 22 अगस्त है तो आ जाओ तो मैं उसके पास चली गई थी। 2-3 घंटे हम लोगों ने स्पेंड किए वहाँ पर और फिर उसके बाद जब हम घर आए हैं तो जब हम घर आए तो माशाल्लाह से यहाँ पर सब कुछ हमारे लिए इतना बेहतरीन हमारे बच्चों ने इतना प्यारा प्यारा सजाया हुआ था। देखें ये हैप्पी बर्थडे अम्मा मरियम ने ये देखे कितनी खूबसूरत पिक्चर कितनी प्यारी होगी देखे कितना खूबसूरत अरेंजमेंट नीचे और ये सब कुछ बहुत प्यारा। और इस चीज़ का मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को जो है तकरीबन 20 साल हो गए 21 साल और ये चीज़ जो है ये मेरी जो वो है मदर इन लॉ की जो थी एनिवर्सरी थी जिस पर मैंने अपने घर में एक सेलिब्रेशन छोटा सा बस अपने घर के लोगों का किया था और इन लॉस का तो मैंने जब खरीदा था और मैंने अभी तक के संभाल के रखा हुआ है ये उनके समझने एक निशानी के तौर पे है। अल्लाह ताला उनको जन्नत उल फिरदौस में आला मकाम अता करे आमीन। सुमामिन बहुत जिंदा दिल थी जिंदगी को बहुत भरपूर इंजॉय करती थी बहुत खुश रहती थी और खुश रखती थी तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग मुझे अभी भी मिले हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आगे से आगे और लोग जुड़ते जाएं और हमारी मोहब्बत इसी तरह से बरकरार रखें। अल्लाह ताला आप सबको
ढेरों खुशियां नसीब करे, लगा आप सबको खुश रखे, आमीन। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, हम मिलते हैं फिर आपसे। जी बस, और आपने देखा कितना ज़बरदस्त मुझे मिला सरप्राइज, और मुझे दिया सरप्राइज। आप लोग भी सोचते होंगे इनको सरप्राइज ही मिलते रहते हैं, भाई मेरी ज़िंदगी में ना माशाल्लाह माशाल्लाह से हर चीज़ मुझे सरप्राइज के तौर पे मिल रही है, और बहुत प्यारे प्यारे सरप्राइज मिल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा, इन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया, अब मैं इनको सरप्राइज दे रही हूँ। सरप्राइज क्या दे रही हूँ, खैर मैंने इन लोगों को तो बता ही दिया है। मैं इन लोगों को ले जा रही हूँ खाने पर, और खाने पर कहाँ लेके जा रही हूँ ये मैंने इन्हें नहीं बताया है, ठीक है ना। तो बस चलेंगे हम, और फिर हम आपसे मिलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या खाएंगे। और यहाँ तो सारे ऐसी हैं, इनसे जब भी पूछो ना एक ही चीज़, और वो एक चीज़ दो चीज़ क्या है वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे 100% यकीन है कि इन लोगों ने मंगवाना वही है, ठीक है। और बस ठीक है ना, फिर चलते हैं हम, और फिर मिलते हैं हम आपसे वहाँ जाके और खापे करते हुए। चलिए जी फिर चलते हैं। आ गए हैं कुछ खाने के लिए, और कहाँ खाने के लिए आए हैं वो हम आपको बताते हैं। कराची फूड सेंटर, और हम खाने आए हैं यहाँ पर बिरयानी, तो लाजमी खाएंगे। और चलें देख के अंदर और कुछ क्या मंगवाते हैं। चले जी, जी हम दे रहे हैं ऑर्डर, और ऑर्डर में अभी ये लोग देख रहे हैं कि क्या मंगवाना है, क्या नहीं मंगवाना है। नजर सानी हो रही है, क्या मंगवाना है मरियम बाजी। मेन्यू देखा जा रहा है और बड़ी नजर सानी हो रही है। दे दिया है और देखते हैं और ऑर्डर क्या दिया है, जब वो आएगा हम आपको जब दिखाएंगे, ठीक है। चले जी, आ गया है हमारा ऑर्डर, और ऑर्डर हमने किया है कोरमा रोटी और बिरयानी। बिरयानी तो हमारी मस्त ही होती है, हम कहीं भी जाए, और फूड सेंटर की तो बिरयानी की क्या ही कहना। मेरी आ गई है कोल्ड ड्रिंक मरियम की, आप इंसाफ मुलायजा फरमाएं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इंसाफ कर रहे हैं, कि कह रहे बस अल्लाह ताला ने बोला है कि कोई चीज़ छोड़ नहीं चाहिए, बस कुछ बिल्लियों के लिए भी छोड़ दो, खाना खाते बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। और ये देख लो भाई, ये मैं अपनी कज़न से मुखातिब हूँ, उसने वो भी यही बोलती है थी, बस खाना खाओ ना उस वक्त किसी को नहीं पहचानो बस। और वह समझ गई होगी मैं किसे बोल रही हूँ, कौन सी कज़न को बोल रही हूँ। और ये देखो भाई, देखें भाई मेरी और बिलाल की प्लेट बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरे बच्चे की। और ये देखिए माशाल्लाह, ये भी इसने बड़े अच्छे से कवर कर रहे हैं, और जो है बड़े अच्छे से खा पी रहे हैं। और वो देखें, वो दोनों एक दूसरे की प्लेट में अल्लाह माफ़ करे ऐसी हॉकियाँ खेल रहे हैं। ये देखें ये ओके है। और ये देखें मरियम बेटा, माशाल्लाह चिकन के साथ फंस गया। सही बात है। तो व्यूअर्स देखिए, माशाल्लाह हम लोगों का खाना चल रहा है, और मेरा तो खैर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं और बिलाल साथ में खा रहे थे, और उमैर और मरियम साथ में खा रही हैं। तो बस ये है कि बस आए आप देखें, हमने आपको अभी पूछा नहीं कि आप भी हमारे साथ खाना खाइए, सॉरी। लेकिन नहीं नहीं, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आपकी रोज़ी रोज़गार में भी बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को यूं ही सजा के रखे। अभी हम कहीं भी नहीं जा रहे, और अपना व्लॉग ख़त्म नहीं कर रहे, थोड़ा सा इसको और कंटिन्यू करेंगे। फिर जब घर जाते हैं तो फिर वहाँ पर हम
ठीक है, आपसे इजाजत चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और बहुत बहुत ज्यादा मजे का खाना था और बिरयानी तो बहुत औसम थी और यहाँ का कोरमा भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये लोग अपने मतलब सारे अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, तभी तो हमारा दिल चाहता है हम बार बार आते हैं फूड सेंटर की बिरयानी खाने के लिए। और भी जगहें हैं, हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है। तो बस फिर क्या करते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। थोड़ा सा कहीं सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और कहीं अगर देखते हैं रुके तो, वरना तो अभी हमने सीधा जाना है घर। और मरियम के बाबा नहीं आए क्योंकि उन्होंने आके खाना खा लिया था, फिर खाना खा के मेरे साथ गए थे, फिर वहाँ थोड़ा सा उन्होंने रिफ्रेशमेंट भी ले लिया था। तो जब हम आने लगे तो उन्होंने बोला बस मेरा केक से भी दिल भर गया, पेट भर गया, तो तुम लोगों ने जाना है तो तुम लोग चले जाओ। तो हम लोग आ गए, आपको तो पता ही है कि हम लोग कितने कदोड़े हैं, कितने खापे करते हैं। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं आगे जाकर। जी व्यूअर्स, हम लोग आ गए हैं खा पी कर और बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने घर में क्यों कुछ नहीं बनाया। अच्छा, घर में मैंने यूँ नहीं बनाया कि मैं गई हुई थी और मैंने सब लाकर रख दिया था पकाने का, तो मैंने कहा था आज कुछ सिंपल सा ही बनाएंगे सब कुछ, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि मतलब किसी ने आना है या कुछ या कोई और वो है। तो मैं चली गई थी, मैंने कहा चलो आके जल्दी जल्दी कर लूँगी, दो तीन घंटे की तो बात है। लेकिन जब मैं आई तो मेरे पास कोई टाइम नहीं था और आपने जैसा देखा कि अचानक ही हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया। तो जब सरप्राइज़ मिला तो हम उसमें लग गए, जब उससे फ्री हुए तो फिर बस गैस का तो आजकल लोड शेडिंग का सभी जगह चल रहा है। 10 दिन की लोड शेडिंग थी जिसकी वजह से हमें ज़ाहिर बात है सबको ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग या तो दिन में भी नहीं आ रही है गैस, और हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ कोई टाइमिंग नहीं होती, कभी 11 बजे चली जाती है, उससे पहले ही चली जाती है। तो फिर यह था कि मेरा तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जब हमें सरप्राइज़ मिला तो मैं बच्चों को भी थोड़ा ले जाऊँ बाहर ना खाने के लिए। तो फिर बस हम गए और आपने देखा हमने क्या बनाया और क्या मंगाया और क्या खाया। और अच्छा, हम जब वापस आ रहे थे घर पे तो अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा लिया, क्योंकि जब हम आ रहे थे घर के करीब तो हमने देखा वहाँ पर रॉबरी हुई और बहुत परेशान थे वो शख्स। हमने चलते चलते ही पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बोला सब कुछ ले गए। अल्लाह ताला ऐसी अफ़तात से सबको बचाए, आमीन सुमामीन। तो एक डर सा बैठ गया था, बस हम जल्दी जल्दी आए और हमने उनसे यही कहा इन लोगों से कि बस तुम हमें छोड़ो फटाफट यहाँ से निकलो। तो बस हम लोग ऊपर आए हैं और ये लोग निकल गए, अल्लाह ताला हिफाजत सुने और उनके घर पहुँचा दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज की वीडियो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आप सारे ऐसे हैं जो मेरी खुशियों में खुश रहते हैं। तो आज की खुशी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और मेरी तरफ से आज जिस जिसकी बर्थडे है और बर्थडे थी उन सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल हो। और आज की आप बर्थडे मनाइएगा, एक नए तरीके से मनाई गई है, एक नए तरीके से सब कुछ सामने पेश किया गया है। तो ये सब आप हमें बताइएगा और कौन कौन इस तरह से अपनी मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहेगा, ठीक है ना। चलिए जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए देखने वाले मेरे चैनल पर हैं मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, ढेर सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह कल मिलती हूँ अच्छे से दिन के साथ, प्यारे से दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।